चांगचित्ता रोड फतेहपुरिया स्थित कमला नगर के वाशिंदे स्थायी मार्ग तथा पेयजल की समस्या से परेशान है। उक्त समस्याओं के निराकरण के लिए क्षेत्रवासियों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया। क्षेत्रवासियों की ओर से दिए गए ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने बताया कि कमला नगर पूनम विहार कॉलोनी फतेहपुरिया दोयम कॉलोनी में विगत 10 वर्षों से आवागमन हेतु मार्ग नहीं है और साथ ही पीने के पानी की भी स्थायी व्यवस्था नहीं है। ज्ञापन में बताया गया कि मार्ग प्रस्तावित है लेकिन उसका भी अभी तक निर्माण नहीं किया गया है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस हेतु कई बार संबंधित अधिकारियों को भी अवगत कराया गया लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि कॉलोनी में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र भी स्थित है। रास्ते के अभाव में यहाँ पर आने जाने वाले रोगियों तथा चिकित्सा कार्मिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि भूखंड खरीदते समय कॉलोनाइजर ने आवागमन के लिए पर्याप्त रास्ता बताया था लेकिन वर्तमान में रास्ते का कोई अता पता ही नहीं है। क्षेत्रवासियों ने यहाँ की समस्याओं का निराकरण लोगों को राहत पहुँचाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में कैलाश सामरिया, आईएचओ की देवी, संगीता देवी, जनता, आशा, संजय, गुलशन तंवर, सुरेश चौहान, मुकेश अर्जुन तथा पुखराज सहित अन्य क्षेत्रवासी शामिल थे। 5-7 साल पहले जब हमने प्लॉट लिए थे वहाँ पे, तो जो हमें मेन रास्ता बताया गया था वो रास्ता उस समय खुला हुआ था। वर्तमान समय में जब हमने देखा तो उस पर कवर कर लिया, मकान बना लिया और रास्ते को बंद कर दिया कांटे लगा के, जिससे हम आमजन को समस्या हो रही है। वर्तमान समय में सरकार की योजनाओं के तहत पानी की पेयजल पाइपलाइन आ रही है, लेकिन हो ये रहा है कि जब हमने वहाँ के अधिकारी से बात की कि हमारी कॉलोनी में भी पानी की समस्या है तो वो लाइन डालें, लेकिन वहाँ के IN साहब ने बोला कि आपके यहाँ का रोड ही पास नहीं है तो हम वहाँ लाइन कैसे डालें। अब हम सब वहाँ के वासिंदों को समस्या हो रही है, पानी की है ही है। बारिश के समय में वहाँ पे एक सरकारी PHC भी बनी हुई है, आए टाइम में हमें डॉक्टर को, पेशेंट्स को वहाँ से पानी से उठा उठा के बाहर निकालना पड़ता है, हॉस्पिटल भिजवाना पड़ता है। बारिश के समय में रास्ते बंद हो जाते हैं, स्कूल जाने में बच्चे को समस्या होती है, वहाँ के वासिंदों को काम पर जाने पर समस्या होती है। और वर्तमान समय में जब उस कॉलोनी को काटने वाले से वार्तालाप की गई तो वो बता रहा है वो उसकी आनाकानी चल रही है, हमें बता रहा है कि रास्ता था अब कर दिया, उस पर अतिक्रमण कर दिया। तो कृपया करके आज हम सब वासिंदे यहाँ पर SDM साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि कृपया करके वो रास्ता खुलाए ताकि हमें इस समस्या से निजात मिले।